आखिर क्यों कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का हक है। तो एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं आपके सामने कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार आने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप दिल्ली मेट्रो से कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे आ जाइए, और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो बाई बस भी कुतुब मीनार स्टॉप पे आप उतर जाइए। और दिल्ली घूमने का सबसे सही तरीका यही है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, आप वहाँ के नियरेस्ट मेट्रो लोकेशन को सर्च करके आप बाई मेट्रो ही ट्रैवल कीजिए। सबसे सुटेबल तरीका आपका वही पड़ेगा, पूरी दिल्ली आप घूम सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज ये सामने रहा कुतुब मीनार का एंट्रेंस। तो वहाँ पे एंट्री लेने से पहले वहाँ के जस्ट सामने आप यहाँ के टिकट काउंटर से पहले टिकट ले लीजिए, वहाँ पे अगर बैग हो आपके पास आप बैग सबमिट कर दीजिए और फिर आप एंट्री कीजिए कुतुब मीनार में। तो बैग तो अभी मैंने सबमिट कर लिया है, बैग सबमिट कर लिया, अब टिकट लेने जा रहा हूँ और टिकट लेने के सीधा पहुँचता हूँ कुतुब मीनार। तो चलिए आइए मेरे साथ। कुतुब मीनार, और वो रहा मेरे पीछे कुतुब मीनार। मैं पहले भी आया हूँ लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है ना यहाँ आने वाली वो ख़त्म ही नहीं होती कभी। उधर से एंट्री हुई है, ये गेट है और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कुतुब मीनार परिसर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये दोनों चीज़ें उस डायरेक्शन में हैं, और अलाई मीनार जो अलाउद्दीन ने बनवाया था, और इल्तुतमिस का मकबरा, ये इस डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग चलते हैं अलाई मीनार और इल्तुतमिस का मकबरा देखने, उसके बाद रिटर्न आएंगे कुतुब मीनार देखने। ये जो मीनार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये अलाई मीनार नाम से मशहूर है, और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन इस मीनार को कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनाना चाहता था, लेकिन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मीनार ही डाइड। जब वो मरा तो इस मीनार का सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही बन पाया था, इसीलिए इस मीनार को हमेशा अधूरी मीनार भी कहते हैं। ये इतना विशालकाय है लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉपर अभी एक फ्लोर भी नहीं बना है इसका, और इसको वो कुतुब मीनार, इस पेड़ के पीछे है, कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाना चाहता था। वो है कुतुब मीनार, उससे भी ऊंची मीनार वो ये बनाना चाहता था। तो सोचिए अगर आज ये मीनार बनी होती कुतुब मीनार से भी ज़्यादा फेमस ये अलाई मीनार होता। अलाई मीनार को आज भी अधूरी मीनार इसलिए कहते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनमें से किसी ने भी उसके इस काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, और ये मीनार जहाँ जितनी बनी थी वहीं पे ये छोड़ दी गई। मीनार को देखकर ऐसा लगता है मानो अलाउद्दीन का अधूरा ख्वाब सामने खड़ा हो। तो अब ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है गुलामों का गुलाम कहे जाने वाले गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का मकबरा। आप सभी जानते होंगे कि सामने जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसीलिए इल्तुतमिश का मकबरा भी कुतुब मीनार परिसर में ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के उन शासकों में से एक था जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलवाया।
इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। स्तंभ पिलर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह मेहरौली का लौह स्तंभ नाम से मशहूर। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लौह स्तंभ कम से कम 1600 साल पुराना है। प्राचीन काल में इस लोहे में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाता था जिसकी वजह से आज तक इस लोहे में जंग का एक नामो निशान नहीं लगा। आप खुद सोच सकते हैं, ये स्तंभ जो है खड़ा 1600 साल पुराना है और इसमें आज तक जंग का एक नामो निशान नहीं। कुतुब मीनार, जिसका नाम जहन में आते ही हमारा दिल और दिमाग हमें दिल्ली की ओर ले चलता है। दिल्ली की शान में चार चांद लगा देने वाली यह मीनार 20 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की मीनार है और मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीनार। कुतुब मीनार के आसपास के एरिया को कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और यह पूरा एरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। इसकी जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसके बाद बाकी की जो मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। सन 1326 में गाज गिरने की वजह से यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर दो मंजिल बनाकर पुनर्निर्माण किया और इसे पांच मंजिला इमारत बना दिया। कालांतर में 1503 में सिकंदर लोदी ने भी इसकी ऊपर की मंजिलों का जीर्णोद्धार करवाया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसकी शुरुआत की, दूसरा इल्तुतमिश जिसने इसके निर्माण को पूरा किया, तीसरा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त चौथी मंजिल को तोड़कर वापस फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, चौथा सिकंदर लोदी जिसने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कुल चार शासक इससे रिलेटेड थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो चलिए आइए मैं आपको ये बताता हूँ, कुतुब मीनार का रास्ता आज भी बंद क्यों रखा जाता है। ये रास्ता इस कुतुब मीनार के किनारे किनारे एक सीढ़ियाँ बनाता है और वो सीढ़ियाँ धीरे धीरे करके एकदम टॉप तक जाती हैं। लगभग 90s के दशक में यहाँ पे कुछ बच्चे टूर पे आए थे, वो सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ इसी कुतुब मीनार की सीढ़ियों के थ्रू धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले गए और ऊपर पहुंचने के बाद अचानक से मीनार की लाइट चली गई और मीनार में पूरा अंधेरा छा गया। अचानक लाइट जाने की वजह से अंदर सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई जिसमें लगभग 60 से 70 बच्चों की जान चली गई थी। यही कारण था कि कोर्ट ने आज तक इसे बंद रखा है। कई बार बीच में सरकार ने इसे खुलवाने की कोशिश भी की लेकिन कभी खुला नहीं आज तक। कुतुब मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर। मीनार के अंदर गोल सीढ़ियां बनाई गई हैं। तल से लेकर ऊंचाई तक कुल 379 सीढ़ियां हैं। तो गाइज अभी तक हम ये लौह स्तंभ, पीछे अलाई मीनार और ये कुतुब मीनार कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और कवर करते हैं टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और ये बताता हूँ आखिर क्यों कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पे अलाउद्दीन कहा। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है अलाउद्दीन का मकबरा और ये उस मकबरे की खूबसूरती, काफ़ी पुराने पत्थरों से बना है ये। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था।
इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग हो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। अंत में उसके वफादार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के कहने पर ही उसको मुक्ति प्रदान की थी। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ प्राचीन इतिहास से जुड़कर आपको अच्छा ही लगा होगा। और अगर आज का ब्लॉग बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।